जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। मनुष्य का जीवन समस्या और समाधान दोनों के बीच में झूलता सा नजर आता है। समस्या को कभी रोका नहीं जा सकता। इस द्वंद्वात्मक दुनिया में समस्या न हो तो आश्चर्य की बात है, हो वह कोई आश्चर्य की बात नहीं। और आदमी निरंतर समस्या में जी नहीं सकता तो वह समाधान की खोज करता है, करता रहता है और समाधान होता है। समस्याएं हमारे दो स्तर पर होती है, एक बाह्य जगत के स्तर पर और एक भीतरी जगत के स्तर पर। मुझे लगता है कि बाह्य जगत के स्तर पर होने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए जितना प्रयत्न होता है उतना अंतर जगत के स्तर पर होने वाली समस्याओं को सुलझाने का उतना प्रयत्न नहीं होता। शायद समस्या की जड़ यह है। बहुत लोग पूछते हैं कि हजारों वर्षों की अवधि में इतने बड़े बड़े विद्वान आचार्य चिंतक हुए और बहुत समाधान दिया, पर दुनिया तो वैसी की वैसी चल रही है। प्रश्न भी ठीक है, उत्तर भी हमें उचित खोजना चाहिए कि बदलना व्यक्ति से ज़्यादा संबंध रखता है समाज से, थोड़ा रखता तो है पर थोड़ा अल्प मात्रा में। व्यक्तियों को हम तीन श्रेणी में बांट सकते हैं। एक आचार्य के मन में प्रश्न उठा कि एक आदमी दूसरे आदमी का हनन करता है, हानि पहुंचाता है, चोट करता है और कुछ करता है, नुकसान देता है उसको, तो क्या कोई व्यक्ति अपने आप को भी नुकसान पहुंचाता है, अपनी भी हानि करता है? तो उन्होंने उत्तर दिया बहुत अच्छा कि तिब्ब कसाया विठो अपानन हणई अपेनन। जो तिब्र कषाय वाला है वह अपनी हत्या करता है, अपना हनन करता है, तिब्र कषाय वाला। हम मनुष्यों को तीन श्रेणियों में बांट दें, तीव्र कषाय वाला, मध्य कषाय वाला और मंद कषाय वाला। अब जब परिवर्तन की बात आएगी, बदलने की बात, वह हमें देखना होगा कि जिसका कषाय तीव्र है। कषाय एक पारिभाषिक शब्द है, हमारा जितने इमोशंस पेशेंस या जितने जो अंतर के भाव हैं वे सब कषाय शब्द के द्वारा वाच्य होते हैं। कषाय क्रोध अहंकार माया कपट लोभ भय घृणा वासना आदि आदि जो भाव हैं वे सब कषाय हैं। यानी हमारा भाव या मन रंगा हुआ रहता है, कसेला रहता है या रंगा हुआ रहता है और रंगीन चश्मा लगा हुआ रहता है। तो ये हमारे भाव कषाय। जिस व्यक्ति का कषाय तीव्र होता है, क्रोध आ गया तो इतना तेज आया कि चट्टान की लकीर की भांति जो मिटता भी नहीं, जीवन भर गांठ खुलती नहीं। और एक क्रोध ऐसा भी होता है जो मिट्टी की रेखा के समान आता है, थोड़ी देर बाद घंटा दो घंटा बाद बराबर हो जाता है। एक ऐसा होता है जो बालू की रेखा के समान, रेत में कोई लकीर खींची
थोड़ी हवा चली 2 मिनट में साफ। और एक क्रोध ऐसा होता है जो जल में लकीर के समान आयार गया व समाप्त है। तो ये हमारी चार प्रकृतियां क्रोध सब में लागू होती है। एक तीव्र तर होता है, एक तीव्र होता है, एक मध्य होता है, एक मंद होता है। अब इस पर सारे मानवीय व्यवहार का विश्लेषण करें तो पता चलेगा कि तीव्र कषाय वाला है उसे बदलना बहुत कठिन होता है, लगभग असंभव जैसा होता है। उसका दिमाग की रचना भी वैसी होती है, पूरी बात को सुनता भी नहीं, समझ भी नहीं पाता और वह बदलने की बात ही नहीं करता। ऐसे 10-20% लोग होते हैं तीव्र कषाय वाले, उन्हें कभी बदला नहीं जा सकता। उनके लिए तो केवल बस अपराध करें तो सरकारी दंड, पुलिस का दंड बस यही काम देता। उनको संयम की बात समझाएं, शायद समझ में भी नहीं आता। तो दूसरी श्रेणी के लोग हैं जिनका कषाय मध्यम है, तीव्र भी नहीं, मंद भी नहीं, मध्यम कोटि का है। उन लोगों को प्रयत्न के द्वारा बदला जा सकता है और उनका वह जो कषाय या क्रोध आदि होता है वह मिट्टी की रेखा के समान होता है, जो थोड़े प्रयत्न से ही उसको साफ बराबर किया जा सकता है। हम कोई भी यह दम न करे कि धर्म के द्वारा आदमी बदल जाएगा, और आज के धर्म के द्वारा तो बदलना मुझे कठिन लगता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि इतने धर्म और इतने धर्म गुरु आदमी बदलता क्यों नहीं है, तो मेरा साफ उत्तर था कि वर्तमान में जो धर्म चल रहा है उससे अगर आप बदलने की बात करें तो निराशा के सिवाय हाथ में कुछ नहीं आएगा। जिस धर्म के साथ नैतिकता का अनुबंध नहीं है वहां बदलने की बात नहीं आ सकती। जिस धर्म के साथ सांप्रदायिक कट्टरता है, जातिवाद की कट्टरता है और ये व्यावसायिक दुर्बुद्धि है, उसे बदलना बड़ा कठिन होता है। और धर्म के साथ पता नहीं क्या क्या जुड़ गया, नैतिकता तो कहीं गौण हो गई और नैतिकता शून्य धर्म एकदम प्रमुख बन गया। बस 10-20 मिनट आधा घंटा धर्म करो, पूरे दिन बुराई करो, कोई चिंता की बात नहीं है। शाम को जाकर कह दो प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो, सूरदास का पद सुना दो, माफी मांग लो, साफ हो गए और कल फिर करने के लिए कमर कसकर तैयारी। कमर कसकर एक लड़के ने कमर कस ली काशी। पिता ने पूछा अरे कमर इतनी कसी क्यों है, कि पिताजी आपको पता नहीं कल मास्टर साहब ने कहा था परीक्षा आ रही है तो कमर कसकर तैयारी करो। तो लगता है कि वह आदमी भी जब माफी मांग लेता है तो दूसरे दिन कमर कसकर बुराई करने के लिए अवकाश रखता है, कोई चिंता की बात नहीं कि कल फिर सफाई कर लेंगे। जहाँ यह धर्म चलता हो तो बुराई की माफी मांगते जाओ और बुराई करते चले जाओ, उस धर्म से कोई समाज बदलेगा, व्यक्ति बदलेगा, ऐसी हम कल्पना करें तो वह कल्पना भी व्यर्थ की कल्पना होगी। इसलिए इसमें नहीं जाना चाहिए। तो मध्यम स्तर वाले व्यक्ति को बदला जा सकता है यदि समुचित प्रयत्न हो तो वह बदल सकता है। और जितना यह बदलने का प्रयत्न है इतना शायद उस मध्यम कषाय वाले कोटि के लिए है, कि जिनका कषाय मंद मध्य है और वह हर बात पर सोच सकता है, समझ सकता है, प्रयत्न कर सकता है, ऐसे लोगों को बदला जा सकता है। सारे प्रयत्न उनके लिए। और अब आप स्थिति में देखिए कि जो तीव्र कषाय वाला है उसमें संयम नहीं होता तो वहां फिर दंड कोरा केवल दंड ही चलता है। और मध्य कोटि वाले लोग हैं जहाँ संयम का थोड़ा विकास होना शुरू हो जाता होता है तो वहाँ कोरा दंड नहीं होता, वहाँ अपना संयम होता है और वह अपने प्रयत्न से अपनी आत्मा का हनन नहीं करता। जबकि तीव्र कषाय वाला अपनी आत्मा का हनन करता है, किंतु यह मध्य कषाय वाला अपनी आत्मा का हनन नहीं करता। हम जब मुंबई में थे तब एक दिन अचानक
क्राइम से जुड़े हुए तीन कमिश्नर आ गए। तीनों का विषय ये क्राइम का था और तीनों एक साथ आ गए। मैंने उनसे पूछा कि मुंबई में अपराध पहले से कम हुए हैं या पहले जितने ही हैं या बढ़े हैं। तीनों एक स्वर में बोले कि बढ़े हैं। मैंने पूछा कारण, कि कारण यह रोटी का अभाव, गरीबी और रोटी का अभाव, इसलिए अपराध बहुत बढ़े। तो परिस्थितिवश लोग अपराध करते हैं, उनका कोई कसाय तीव्र नहीं है, उनका मस्तिष्क भी उतना जटिल नहीं है, मस्तिष्क की रचना भी जटिल नहीं, और उनके जो मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के जो कनेक्शन है वे भी कोई बहुत उलझे हुए नहीं है, किंतु वे विवशता के कारण परवश होकर और ऐसी स्थितियों में जाती है। उन लोगों के लिए बहुत प्रयत्न करना जरूरी है। प्रयत्न तो प्रथम श्रेणी के लोग हैं उनके लिए भी हो, पर वहाँ बहुत सफलता नहीं मिल सकती। सफलता के लिए जरूरी है कि जो मध्यम कोटि के लोग हैं, जिनका कषाय तीव्र नहीं है और चट्टान की रेखा की भांति अमित नहीं है, ऐसे लोगों के लिए हमारा प्रयत्न होना चाहिए। तो उससे धीमे धीमे संयम की मात्रा बढ़ेगी और दंड घटेगा। वे दंड का काम नहीं करेंगे जिससे समाज व्यवस्था या राज्य व्यवस्था का दंड उनको प्राप्त हो। ये जितना सारा प्रयत्न होता है इस कोटि के लोगों के लिए होता है। अगर कोई यह दम भरे कि मैं सबको बदल दूंगा, ऐसा कर दूंगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं कि बदल सके। जिसको लोग ईश्वर मानते हैं, कर्ता मानते हैं, शायद उसमें भी ये ताकत नहीं होती, तो ये ऐसा होता ही नहीं। मैंने कोई बहुत पुरानी कविता है, बहुत पुरानी, 30-40 वर्ष पहले, उसमें लिखा था, कुछ पंक्तियां हैं उसकी, कि यदि मैं ईश्वर होता तो दुनिया में किसी बुद्धिमान को पैदा नहीं करता, क्योंकि जितनी समस्याएं बढ़ाई है बुद्धिमान लोगों ने ही पैदा किए, तो मैं कभी बुद्धिमान आदमी को पैदा ही नहीं करता जिससे समस्या न बढ़े। तो ये समस्याएं सुलझाने का तरीका हमारा होना चाहिए, और उसमें शायद बुद्धि का उपयोग कम, भाव का उपयोग ज्यादा हो। मैं देख रहा हूं आज की समस्या, हमारे सामने कुछ अर्थशास्त्री भी बैठे हैं, हमारी चर्चा भी कल हुई, अब अर्थशास्त्र के द्वारा भी समाज में जो होना चाहिए परिवर्तन नहीं हो रहा है, न धर्म के द्वारा, न समाज शास्त्र के द्वारा, न अर्थशास्त्र के द्वारा, न मानस शास्त्र के द्वारा। सारे शास्त्र तो एक तरफ काम कर रहे हैं, राज में एक तरफ अपना काम कर रहे हैं। कारण क्या? हमने इस कारण को खोजने का प्रयत्न किया तो एक निष्कर्ष पर पहुंचे। आचार्य तुलसी की सन्निधि में हमारे बहुत इस पर प्रयत्न हुए, और चिंतन करते करते हम इस निष्कर्ष पहुंचे कि परिवर्तन का जगत बुद्धि का जगत नहीं है, परिवर्तन का जगत हमारा भाव जगत है। अब कितना ही ज्ञान दे दें, कितना ही बता दें, कितना ही बुद्धि का व्यायाम करें, कितना ही पढ़ा दें, समझा दें, किंतु जब तक भाव नहीं जुड़ेगा बुद्धि बेचारी कुछ नहीं कर पाएगी। हमारा संचालक कौन है? इस पर भी हमने खोज की है, संचालक कौन है? मन हमारा संचालक नहीं है। बहुत लोग मन को आरोपित करते हैं, मन तो बेचारा काम करने वाला है, संचालक हमारा भाव तंत्र है, हमारा भाव, हमारी भावधारा। हमारे मस्तिष्क में बुद्धि का प्रकोष्ठ अलग है, मन का अलग है, भाव का अलग है। हमने ये खोजने का भी प्रयत्न किया कि लोग कहते हैं कि हृदय के साथ भाव का संबंध, हृदय क्या है? इस हृदय के साथ तो भाव का संबंध नहीं, यह तो भाव से प्रभावित होता है, पर भाव को पैदा करने वाला नहीं है। भाव तंत्र को पैदा करने वाला हमारा मस्तिष्क, और उसको हृदय कहा जाए पुराने ग्रंथों में। आयुर्वेद में दो हृदय माने हैं, एक हृदय तो ये जो पंपिंग कर रहा है, और एक हृदय मस्तिष्क में माना है। हम उसकी पहचान करते हैं हाइपोथैलेमस, हमारे मस्तिष्क का एक हिस्सा है लिम्बिक सिस्टम का हाइपोथैलेमस, और वह हिस्सा भाव के लिए जिम्मेवार है। जब तक हम भाव का परिष्कार नहीं करेंगे, 100 वक्तव्य सुना दें, 100 पुस्तकें पढ़ा दें, कुछ भी कर दें, सारा बुद्धि का व्यायाम कर दें, किंतु परिवर्तन नहीं आएगा।
क्योंकि परिवर्तन बुद्धि नहीं कर सकती। बुद्धि का काम है व्यवसायात्मिका बुद्धि, गीता का भी एक सुंदर व्यवसायात्मिका बुद्धि, बुद्धि का काम है व्यवसाय करना, निर्णय करना, निश्चय करना, किंतु बदलना उसका काम नहीं है। बदलना जब तक भाव का योग नहीं होगा, न मन बदल सकता न बुद्धि बदल सकती। सबसे अधिक हमारे शरीर में, स्थूल शरीर में, इस जिसको जैन भाषा में कहते हैं औदारिक शरीर, और तत्वों की भाषा में कहते हैं पंचभूत से, पंच तत्वों से बना हुआ शरीर, इस शरीर में जब तक भाव तंत्र का शासन है और किसी का शासन नहीं है, मन को भी भाव चला रहा है, वाणी को भी भाव चला रहा है और शरीर को भी भाव चला रहा है, उसका एकाधिकार है। और जब तक भाव के स्तर पर हम परिवर्तन की बात नहीं सोचें, नहीं हो सकता। और इसीलिए प्रश्न होता है कि इतना पढ़ा लिखा आदमी ऐसा काम कर दिया, अरे पढ़ा लिखा ज्ञान के स्तर पर था, भाव के स्तर पर तो वह अनपढ़ ही था। मुझे याद है आचार्य तुलसी जब दिल्ली यात्रा पर थे, एक दिन डीएस कोठारी, डॉक्टर कोठारी जो बड़े वैज्ञानिक थे, और उनके साथ दो तीन और फिजिक्स के प्रोफेसर जो भारत सरकार की जो लेबोरेटरी उसके इंचार्ज कई लोग आए थे, बातचीत चल रही थी। तो बातचीत में प्रसंग आ गया, तो प्रसंग चला कि एक वैज्ञानिक ने पूसा इंस्टीट्यूट के एक वैज्ञानिक ने, कृषि वैज्ञानिक ने, पदोन्नति के क्रम को लेकर गड़बड़ होने के कारण उसी भवन से, कृषि भवन से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। तो प्रश्न चला इतना बड़ा विद्वान वैज्ञानिक आदमी, उसने आत्महत्या क्यों? तब मैंने कहा कि कोठारी जी, आप देखें कि ज्ञान का काम अलग है, ज्ञान का काम है अज्ञान को मिटाना, समझ को बढ़ाना, किंतु ये काम करना, गलत करना, सही करना, ये ज्ञान का क्षेत्र नहीं है। केवल उसकी सीमा है कि हमने सच्चाई को जान लिया, यथार्थ को जान लिया। जानने के बाद जो बदलना है, जब तक भाव का परिष्कार नहीं होगा, आदमी बदलेगा नहीं। हम केवल ज्ञान के आधार पर न रहे, हमने जीवन विज्ञान में इसी बात को प्रस्तुत किया है कि कोरी पढ़ाई से नैतिक मूल्यों का विकास नहीं हो सकता। यदि नैतिक मूल्यों का विकास करना है तो हमें भाव तंत्र का परिष्कार करना जरूरी है। जितने हमारे नकारात्मक भाव हैं, जो नेगेटिव एटीट्यूड, थिंकिंग आदि सारी हैं, नकारात्मक हैं, जब तक उन नकारात्मक भावों को हम बदलने का प्रयोग नहीं करेंगे और हमारे भाव सकारात्मक विधेयक नहीं होंगे, तब तक आचरण में कोई अंतर नहीं आएगा। अब दो शब्दों में छोटी सी बात को साफ समझ लें कि अज्ञान मिटाने का, ज्ञानात्मक विकास का संबंध है हमारे ज्ञान के साथ, और चरित्र का संबंध है हमारे भाव के साथ। बुद्धि और ज्ञान के साथ चरित्र का कोई सीधा संबंध नहीं है। इस सच्चाई पर आप सारा चिंतन करें तो फिर आपको बदलने का सूत्र हाथ में लगेगा। कि जो आदमी बदलता है वह भाव धारा से बदलता है। अब क्रोध का तीव्र भाव है, दिन में 20 बार झगड़ा करता है, कभी स्वयं को भी पीटता है, कभी पत्नी को पीटता है, कभी कुछ करता है, बहुत पढ़ा लिखा है। मैं जो कह रहा हूँ, कल्पना ने ऐसे आदमी को जानता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। आईएएस ऑफिसर, इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, किंतु गुस्सा इतना करता कि जब गुस्सा होता तो फिर बस सिवाय अंधकार के कुछ भी नहीं, कोई भी सामने आ जाए, ऐसा झगड़ालू आदमी था। अब आप देखिए, एक और तो पढ़ा लिखा था, मूर्ख तो नहीं था, अनपढ़ नहीं था, आईएएस ऑफिसर बना है, सचिव बना था, कमिश्नर बना, तो ऐसे ही तो नहीं बना, पढ़ा लिखा तो था, पर इतना गुस्सेल था, स्वयं दुखी और पूरा परिवार दुखी बना हुआ था। और हमारे सामने ऐसे केस बहुत आते हैं, जब प्रेक्षा ध्यान के शिविर होते हैं, ऐसे बहुत लोग आते हैं। हमने निष्कर्ष निकाला कि ज्ञान से आदमी बदलता नहीं, जान लेता है, अज्ञान मिट जाता है, समझदारी बढ़ जाती है, चालाक भी हो जाता है और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। शायद एफिशिएंसी इसमें ज़्यादा बढ़ती है,
आज की जो बैंक डकैती करने वाला साधारण गांव का आदमी नहीं कर सकता, जिनमें एफिशिएंसी है, दक्षता बढ़ गई है, वे बहुत चतुराई के साथ अपना काम कर लेते हैं। और मैं समझता हूँ जितना ये ठगी चलती है, ये घोटाला चलता है, ये सारा एफिशिएंसी का ही परिणाम है कि उनमें इतनी दक्षता है कि कहीं से कहीं छिपा लेते हैं, चुरा लेते हैं, कहीं से निकाल लेते हैं। ये दो शब्द स्किल और एफिशिएंसी ऐसे बन गए कि इनके परिवार से पता नहीं क्या क्या चल रहा। तो केवल जो बुद्धि का क्षेत्र है, बुद्धि का क्षेत्र वह कोई समस्या को सुलझाने वाला क्षेत्र नहीं है। समस्या को सुलझाने का एकमात्र हमारा कोई तंत्र है तो वह हमारा भाव तंत्र, भावधारा, जहाँ के आदमी बदल सकता है, परिवर्तन होता है। बुद्धि का क्या काम है? मैं बुद्धि का अनादर करना नहीं चाहता, बुद्धि में विश्वास करता हूँ, बौद्धिकता में विश्वास करता हूँ। और बौद्धिकता के बिना जहाँ प्रश्न है साहित्य निर्माण का, लेखन का, समझने का, पढ़ने का, वहाँ बुद्धि के बिना काम नहीं चलता। और बुद्धि का बड़ा मूल्य अपने स्थान में, पर हर वस्तु का मूल्य सापेक्ष होता है, निरपेक्ष एब्सोल्यूट कोई मूल्य किसी का नहीं होता, सापेक्ष मूल्य है। बुद्धि का अपने क्षेत्र में बहुत मूल्य है, किंतु हम यह सोचे कि बुद्धि के द्वारा हम किसी को बदल देंगे, साहित्य लिख देंगे, यह कर देंगे, बदल जाएगा, कभी न सोचे। जब तक प्रायोगिक पद्धति के द्वारा आप व्यक्ति के भाव तंत्र का परिष्कार नहीं करेंगे, तब तक व्यक्ति बदलेगा नहीं, ये ध्रुव सत्य हमें तो लग रहा है। और अब तक इसका कोई प्रतिवाद भी हमें नहीं सामने आया कि कोई दूसरा सिद्धांत है। तो हम परिवर्तन की बात सोचें और परिवर्तन करना चाहें तो हमें दोनों का सहारा लेना है, बुद्धि का भी सहारा लेना है, क्योंकि निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम, बुद्धि के बिना बल भी नहीं होता। यत्र बुद्धिस्तत्र बलम, बुद्धि भी जरूरी है। और चाणक्य ने, महामात्य चाणक्य ने कौटिल्य अर्थशास्त्र में इतने बौद्धिक उपाय बताए हैं, दूसरों को मारने के, ठगने के और छिपाने के, पता नहीं क्या क्या है, इतना इतना ज्यादा लिखा है। तो बुद्धि का तो बहुत विकास है, उन्हें अपनी बुद्धि पर भी बहुत भरोसा था और वास्तविक था। किंतु हम सीमा को समझें, हमारी दुनिया में असीम कोई वस्तु नहीं है, सबकी सीमा है। सीमा हम असीम बनाने का प्रयत्न न करें, बुद्धि को बुद्धि की सीमा तक रहने दें। और फिर दूसरी सीमा है भाव की, भाव की सीमा में भी हम भाव की बात करें, क्योंकि जो परिवर्तन होता है वह भीतर से होता है और उसके लिए भाव जिम्मेवार, और भाव का पूरा एक तंत्र हमारे भीतर बना हुआ है। हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा सूक्ष्मतर शरीर, जो हमारी शटल बॉडी, शटलिस्ट बॉडी आदि आदि, जो एक पूरी श्रृंखला है जहाँ से कि सारे ये स्पंदन आते हैं और जिनके आधार पर आदमी काम करता है। तो भाव का परिष्कार, जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं उनके भाव का परिष्कार प्रयत्न के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि उनका कसाय तीव्र नहीं, तीव्र नहीं है। पत्थर की रेखा जैसा या पत्थर के खंभे जैसा नहीं है। तीसरी कोटि के लोग जो मंद कसाय वाले, उनके लिए तो बहुत सरल बात है। जो मंद कसाय वाले हैं, बस उनको तो एक इशारा मिले, इतने में परिवर्तन। अब देखिए कसाय क्या है, हमारा भावात्मक संसार। कसाय का मतलब है भावात्मक संसार, एक बुद्धि का संसार और एक कसाय का संसार। कसाय यानी नकारात्मक भाव, और जब कसाय का परिशोधन होता है, परिष्कार होता है, तो वही सकारात्मक भाव। क्रोध नकारात्मक भाव है, परिष्कार हुआ और क्षमा हो गई, सहन करने की शक्ति बढ़ गई। अहंकार नकारात्मक भाव है, उसका हमने परिष्कार किया तो हमारी विनम्रता, विनय का विकास हो गया। माया कपट नकारात्मक भाव है, उसका परिष्कार किया तो हमारी सरलता प्रकट हो गई। सरलता जो कि जीवन की बहुत बड़ी संपत्ति है। लोभ का परिष्कार किया और एक संतोष, यह सकारात्मक भाव प्रकट हो गया। तो ये सारा नकारात्मक भाव और सकारात्मक भाव में
मानवीय चरित्र का सारा इतिहास बोल रहा है, जुड़ा हुआ है। हम जब तक ये भाव जगत में काम नहीं करेंगे और भाव परिवर्तन की प्रक्रिया को नहीं अपनाएंगे, तब तक न हिंसा को कम कर सकते, न अहिंसा का विकास कर सकते और न नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते, न अनैतिकता को दूर कर सकते। इसलिए हमें भाव जगत पर और गंभीर अध्ययन करने की जरूरत है। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।